हे ईश्वर, इस पर मुझे बचा ले, मैं कभी कभी चोरी नहीं करूंगा। इस घर में भूत है, भूत है। ये डरा हुआ लड़का चोरी करने एक सुनसान घर में जाता है, जहां उसे एक अजीब टॉयलेट मॉन्स्टर दिखाई देता है और डर के मारे वो रूम के अंदर जाता, लेकिन तभी उसने कुछ छुआ। ये तो वही है। वो कौन? टॉयलेट्स। द फर्स्ट स्किबिडी टॉयलेट। अगर आपने ओपेनहाइमर देखी या उसके बारे में जानते हैं तो मैं बता दूं, एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए ओक रिज टेनेसे को चुना गया था और सब साइंटिस्ट रिसर्चर्स अथॉरिटी फैमिली के साथ वही बस गए। पर इसका टॉयलेट से क्या नाता? नाता ये है कि स्किबिडी टॉयलेट्स की ओरिजिन भी उसी शहर के एक कोने में है। उस गुमनाम शहर के सबसे कोने में जो 100 साल पुराना लेबोरेटरी है, उसमें साइंटिस्ट ने ढेर सारे इंसानों के सर काटे इस एक्सपेरिमेंट के लिए। उन्हें एक ऐसा इंसान बनाना था जो इतना बुद्धिमान होगा कि उसे पूरे ब्रह्मांड की सारी नॉलेज होगी। एक ऐसा क्रिएचर जिसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाली सारी घटनाओं का डिटेल्ड आंसर है, जो सब जानता है, जिसके अंदर नॉलेज और इंफॉर्मेशन की कोई सीमा नहीं। दरअसल ऐसा क्रिएचर बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है डेवलपमेंट। साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर ऐसा कोई बुद्धिमान बन गया तो वो साइंटिफिक डेवलपमेंट को एक नई ऊंचाई दे देगा, जो इस पूरे ब्रह्मांड को बदल के रख देगा। क्रिएचर्स बन तो रहे थे पर कभी बात नहीं करते थे, इसीलिए साइंटिस्ट ने रिसर्च की रिस्क और इंटेंसिटी दोनों बढ़ा दी। और फिर एक दिन आया जब एक क्रिएचर अपने कंटेनर को तोड़कर बाहर आया। साइंटिस्ट के फ्लेम थ्रोअर से बचते बचते ये क्रिएचर टॉयलेट के अंदर चला गया और तब से वो नाली में ही रहने लगा। धीरे धीरे वो नाले में ही पलता गया और पेनीवाइज की ही तरह वो दुनिया को अपना खाना समझने लगा। इसके बाद पाइप के रास्ते से होकर वो एक टॉयलेट से बाहर आया और अब उसी टॉयलेट को उसने अपना घर बना लिया। टॉयलेट पर कब्जा कर सीधे उसने घर के लोगों पर हमला बोला। उसके चेहरे पे एक गुस्सा था इस बात को लेके कि सब तो नॉर्मल ही है और वो क्या बन गया। इसीलिए उसने उस रात पूरे कॉलोनी के सारे घरों पर हमला बोला। इंसानों के शरीर को खाकर उनके सर को वो वही छोड़ देता। यही सर सुबह होते होते जिंदा हो गए और टॉयलेट्स के अंदर समा गए। और ऐसे शुरू होता है टॉयलेट्स की कहानी, स्किबिडी टॉयलेट की ओरिजिन स्टोरी। मिलिए सैमुअल से। सैमुअल को रॉकस्टार बनना था और वो गाना भी बहुत ही बढ़िया गाता था, पर किसी ने कभी उसे उतना भाव दिया ही नहीं। सैमुअल एक बड़े शहर में आ गया जहाँ के लोग बहुत बिजी थे। उन्हें अपने काम से कोई फुर्सत नहीं था कि वह 5 मिनट सैमुअल का गाना सुने। इस बड़े शान और शोहरत वाले शहर में सैमुअल कहीं गुम सा गया। फिर उसने ठान लिया कि वायरल होने के लिए वो कुछ भी करेगा और फिर उसने लाइव वीडियो में बोला कि वो एक रेस्ट्रिक्टेड टॉयलेट में एक दिन के लिए रहेगा। ये कोई नॉर्मल टॉयलेट नहीं बल्कि स्किबिडी टॉयलेट्स का बेस है। उस रात सैमुअल को देखने भर भर के लोग आए, ढेर सारे रिपोर्टर्स और साथ ही वो सारे बिजी लोग जो उसे भाव तक नहीं देते थे, और सैमुअल अंदर चला गया। सालों पुराना जंग लगा टॉयलेट वहां मौजूद था, पर शॉकिंग बात ये थी कि टॉयलेट को देखते ही सैमुअल को चक्कर आने लगा। उसके रगों में बिजली दौड़ने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या रहा है। धीरे धीरे उसे लग रहा था कि वो टॉयलेट के अंदर जा रहा है, पर जब उसने देखा तो वो नॉर्मल इंसान ही तो है, तो वो टॉयलेट के अंदर कैसे जा रहा है। उसे 5 मिनट का वक्त लगा समझने के लिए कि उसके साथ हो क्या रहा है, और जब उसे होश आया तो उसका बॉडी जा चुका था। और डोर के खुलते ही मीडिया वाले हैरान हो गए क्योंकि सैमुअल अब एक स्किबिडी टॉयलेट बन चुका था।
उस रात गुस्से में सैमुअल ने इन सब को मार डाला और तब से वो बन गया डीजे स्कीवरी टॉयलेट, जो कि हर जगह शोस करता है और टॉयलेट्स को एंटरटेन करता है। तो आज हमने देखा स्कीवरी टॉयलेट की ओरिजिन स्टोरी और साथ ही साथ डीजे टॉयलेट की ओरिजिन स्टोरी, और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि टीवी मैन आखिर बना कैसे। लेकिन उससे पहले, क्या आपने मेरा जिम वाला वीडियो देखा है? अरे ये गेमिंग वाला वीडियो, ये मैंने कल ही छोड़ा है, कल या परसों, आई डोंट नो। ये मेरे चैनल रूप द नूब में अवेलेबल है, तो जाके देखो, बहुत ही मस्त वीडियो है, और इसको अपने 4-5 दोस्तों को शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय। अरे सॉरी, अरे सॉरी।